गुजरात में ठंडी का वायरा, लेकिन सिर्फ वातावरण में, धंधे में नहीं। हाँ तो वो तो बराबर है ना भाई, गुजरात में सब गुजराती लोग रहते हैं, क्या व्यापारी लोग, धंधे में ठंडी हो ही नहीं सकती। आपकी अमानत। इसमें तो 3.5 लाख है। 3.5 लाख आपको कम लग रहे हैं? मैं और दे दूंगा, आप आंकड़ा बोलिए। ये तेरी अमानत। ये क्या है? मेरी भावना है। इतनी सारी? हाँ, तेरी भावनाओं से मेरी भावनाएं ज्यादा ही है। अरे ज्यादा नहीं है सुंदर, सिर्फ 50 लाख है। 50 लाख? तेरे को मालूम नहीं है, भाई को एक बार गुस्सा आ गया और शुरू हो गए ना। अरे क्या शुरू हो गए, ये खुद बेचारे शुरू होते होते खत्म हो गए। तेरी भाई, भाई देखो बुरा मत लगा ना, लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है जैसे भगवान से थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है। वो कछुआ बनाते बनाते इंसान बन गए। अभी सवाल कंपाउंड में खेलने या ना खेलने का नहीं है, सवाल है दोपहर के समय में खेलने का। अरे दोपहर का समय आराम करने का होता है, बड़े बुजुर्ग सो रहे होते हैं। ए बिल्ली मास्टर, ए दोपहर को नहीं सोता। बाबूजी वो अपने बात कर रहा है। बेटे भाई क्या हुआ, हुआ क्या? दे भाभी आपका लाडला टप्पू गणेश उत्सव में डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे 100 जिंदा चूहे लाना चाहता है। क्या 100 जिंदा चूहे? टप्पू कहाँ से मिलेंगे बेटा? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसे नहीं करते बेटा, आते वक्त रास्ते में चूहे कहीं भाग गए तो अब कहाँ ढूंढते फिरोगे? रावण के तो 10 सिर होते हैं और तुम्हारे पास तो एक ही सिर है। 10 सिर देखना चाहता तो? हाँ चलो बाहर। क्यों, बाकी के बाहर रखे हैं? सॉरी, कल मेरे पुतले के साथ क्या करने वाले थे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक एक करके बोलो, सबको मौका मिलेगा, कोई बाकी नहीं रह जाएगा। बोलो कौन पहले, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मालूम ही था, बोलो। जेठालाल बच्चे बिगड़ रहे। किसके? हमारे। तो सुधारो उनको। बाय बाय करके कहाँ जाना है? देखा मैंने, जेठालाल किसी को बंजी जंपिंग कहते हैं। अपन अंदर आए क्या? आप कौन? जेठालाल चंपकलाल गाड़ा। खत्म। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। अरे हंस चुगेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। भैया मैं आपके टप्पू से बात करा दूं, फिर आप पार्सल दे देंगे ना? कौन टप्पू? अरे बोला तो सही आपको, टिपेंद्र जेठालाल गाड़ा। हाँ उसको हम प्यार से टप्पू बुलाते हैं। ठीक है, कीजिए अपने प्यार को फोन। अरे अहमदाबाद की पोल में मेरी माँ के घर पे एक घायल सांप आ गया था। घायल सांप? हाँ, तो माँ ने उसको बहुत प्यार से रखा, उसकी सेवा की और पाल पोस के बड़ा किया और नाम रख दिया सुंदर। जेठा
बहुत बढ़िया है, लेकिन बिंदास भिड़े थोड़ा बदलना पड़ेगा उसको। आप रखो बकवास भिड़े। अच्छा बाबा, मेरे फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, जरा उस पे साइन कर दीजिए ना प्लीज। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बाबा कल ही मिला है। तो कल हम भी तो मिले थे। सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। अरे क्या भूल गई सोनू, अगर तुमने मुझे कल बताया होता तो हम लोग कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते, 24 घंटे वेस्ट हो गए। सॉरी बाबा। फाइनल एग्जाम सर पे आ रही है ना? अरे हाँ पापा, उसी का टाइम टेबल आया, साइन करके दीजिए ना। आ गया टाइम टेबल, और तू इधर गाना गा रहा है? अभी पढ़ाई कब से शुरू करनी है भाई? अभी आज टाइम टेबल आया तो 4-5 दिन में शुरू। अबे जेठा बताओ ना क्या है इसमें? मेरे कपड़े हैं। तो मुझे क्यों दिए पहनने? भिड़े मेरे कपड़ों में कैसा लगेगा? ओ जेठालाल हंस क्या रहे हो? नहीं नहीं भाई, तू मेरे कपड़े मत पहनना भाई, बहुत कॉमेडी लगेगा। जेठालाल अभी तुम कॉमेडी छोड़ो और बोलो कि मुझे कपड़े क्यों दिए तुम्हारे? स्त्री करने। अरे एक मिनट भाई, मेरी बात तो सुन भाई, और मैं किसको बोलता, पूरी सोसाइटी में एक तू ही तो है आयरन मैन। और ये देख, तेरे लिए तो कपड़े स्त्री करना बायात का खेल है, है? मेरे पास एक सुविचार है। वेरी गुड, वेरी गुड बड़ा, वेरी गुड। बताओ। काम ऐसा करो कि लोग सामने से आकर कहकर जाए भाई तू रहने दे, हम लोग कर ले। आते हो किधर? आज काली चौदस है ना, तो घर की अशांति और कंकास को चार रस्ते डालने जा रही हूँ। मतलब तुम वापस नहीं आओगे? हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? बापूजी नाम जानना चाहते हैं। तो बताओ। शीला ढाबा। शीला ढाबा था कि नशीला ढाबा था? चाचा जी आप गए वहाँ? वो देखो, अरे क्या आजकल के बच्चे, बाल तो ऐसे काटे जैसे टेढ़ा मेढ़ा घास काटा हो किसी। अरे भाई जिसके पास बाल है वो ऐसा काटते है, जिसके पास नहीं है वो ऐसे ही देख के जलते है। अरे बड़े मास्टर बालों को छोड़ो। अरे ये क्या बाल को छोड़ेगा, बाल ने इसको छोड़ दिया है। ये देखो, देखो देखा थी भाई। अरे देखा भाई, आग पीने के बालों को छोड़िए। अरे बच्चे ही कितने है। इसे क्या उम्र थी? किसकी? पिताजी की। किसके? ये बबूचक, तेरे दोस्त के पिताजी की उम्र क्या थी जो स्मशान में गुजर गए? नहीं पता नहीं बापूजी। तूने पूछा नहीं? कैसे पूछता बापूजी, वो तो गुजर गए थे ना। बराबर बराबर, वो तो गुजर गए थे, कैसे पूछती? कहाँ वो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। बोला ना वीडियो छपरी के लिए ब्लॉक है खत्म।